नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। ज्येष्ठ सरगना अजहर महमूद इन दिनों चर्चा में है। कुछ मीडिया रिपोर्ट यह बता रही हैं कि वह मारा गया, मगर पाकिस्तान ने इन मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया है। आज हम पल पल के दर्शकों को बताते हैं कि अजहर महमूद न केवल पुलवामा हमले बल्कि भारत के लिए पिछले 25 वर्षों से सिरदर्द बना हुआ है। लगभग 5 वर्षों तक भारत की जेल में रहे इस आतंकवादी को भारत ने स्वयं 1999 में भारतीय विमान के यात्रियों को छुड़वाने के लिए कंधार ले जाकर तालिबान को सौंपा था, जहां से वह पाकिस्तान पहुंचा। पलपल के दर्शकों को हम आज उसके संबंध में संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। वह मारा तो नहीं गया अब तक, लेकिन पाक मीडिया की माने तो वह गंभीर रूप से बीमार है। पाकिस्तान सरकार उसको बीमार दिखाकर उसका बचाव कर रही है अथवा सच बोल रही है, यह तो कुछ दिन बाद सामने आ ही जाएगा। मगर आप जाने वह कौन है? भारत के श्री गंगानगर के नजदीक पाकिस्तान के भावलपुर नगर में 1968 में पैदा हुआ यह आतंकी भारत के लिए सिरदर्द बना हुआ है। भारत सरकार पिछले कई वर्षों से संयुक्त राष्ट्र संघ में इसे विश्व आतंकवादी घोषित करने के प्रयास में है, मगर चीन 3 बार संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के प्रस्ताव पर वीटो लगा चुका है। इस बार अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड में जैश ए मोहम्मद के इस आतंकी महमूद अजहर को आतंकवादी घोषित करने का प्रस्ताव दिया है। हो सकता है कि इस बार चीन इस प्रस्ताव पर वीटो न लगाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते पाकिस्तान भी उस पर बैन लगाने पर मजबूर हुआ है। पाकिस्तान सरकार व मीडिया किस प्रकार जैश ए मोहम्मद का पक्ष ले रहा है? आपको पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान द्वारा जारी एक वीडियो दिखा रहे हैं, जिसमें जैश के हेडक्वार्टर को मदरसा स्कूल बताया गया है। देखिए इस वीडियो में। बिल्डिंग तो निजामी की क्लासेस हैं। ये आपके पीछे जो आपको एक इमारत नज़र आ रही है, ये दारुत तजवीद व किरात है। वो हुफाज़े किराम और उलमाए किराम जो हिफ़्ज़ के बाद तजवीद व किरात का एक कोर्स है विफाकुल मदारिस का, जो हुफाज़ के लिए 2 साल का है और उलमा के लिए 1 साल का है, वो यहाँ पढ़ाया जाता है। देखें और आप तशरीफ़ लाएँ, आप ख़ुद पूरे मदरसे का मुलाहिज़ा फरमा लें। इसमें क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, बताएं ना ज़रा। यहाँ हमारे इस मदरसे में हिफ्ज़े कुरान, तजवीद व किरात, दरस निज़ामी का मुकम्मल निसाब और मैट्रिक तक तालीम दी जाती है, और ये मदरसा बहावलपुर के चंद मारूफ दीनी इदारों में से एक है। और इस मदरसे में जितनी भी तालीम दी जाती है, तलबा को रिहाइश फराहम की जाती है, उसका कोई मुआवजा या फ़ीस नहीं ली जाती। विफाकुल मदारिस का मुकम्मल सिलेबस पढ़ाया जाता है, और हमारे इस मदरसे में हर महीने बाकायदगी से स्पेशल ब्रांच, CTD और दीगर जो मदारिस को चेक करने वाले हकूमती इदारे हैं, ये हमारा है दारुत तहफीज़। यहाँ पर इस वक्त तकरीबन 450 के करीब बच्चे हिफ्ज़े कुरान की शहादत हासिल कर रहे हैं।